छोटे बच्चों को जब कब्ज होती है माँ के साथ साथ घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चा जब जोर लगाता है रोता है उसका बहुत ही आसान हल आज की स्पेशल वीडियो में मौजूद है मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से अपने बच्चे को कब्ज से बचा सकते हैं ऐसे आसान टोटके हैं जो आप घर में कर सकते हैं आसानी से कैसे हैं आप सब, सब खैरियत से होंगे जब छोटे बच्चों को कब्ज होती है तो समझ में नहीं आती की माए क्या करें हम लोग क्या करते हैं मेडिसन्स यूज करवाना शुरू करते हैं छोटे बच्चों को इतनी छोटी उम्र में मेडिसन्स कभी भी यूज नहीं करवानी चाहिए कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें आज जो घरेलू टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उससे आपके बच्चे की कब्ज भी खत्म होगी अगर कब्ज का मसला ज्यादा देर रहता है तो उसे भी उसकी जान छूट जाएगी आपको खाने के लिए डाइट भी बताऊंगी एक्सरसाइज भी बताऊंगी और घरेलू टोटके भी बताऊंगी चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मुजीद वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे बच्चों में कब्ज तीन से चार माह के बच्चे एक साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उनमें जब कब्ज होती है तो छह माह के बच्चे के बाद हमें चाहिए कि बच्चे को ना पानी पिलाना शुरू करें। जब बच्चा पानी यूज करेगा ना तो बच्चे को कब्ज नहीं होगी अमूमन माए क्या करती हैं कि बच्चों को पानी नहीं पिलाती इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है छोटे बच्चे के लिए जो माह से ज्यादा उम्र का है एक साल से कम उम्र का छह माह से ज्यादा उस बच्चे को आपने ना मदर फीड करवाना है जो मदर फीड बच्चे नहीं करते ना उनमें कब्ज की ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खुला दूध डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं या घर का दूध उससे बच्चे को कब्ज होती है अगर आपके बच्चे को डिब्बे के दूध से कब्ज हो रही है तो आप डिब्बा चेंज करें किसी और कंपनी के दूध को यूज करके देखें बच्चे के लिए ये भी एक टिप है अगर बच्चा खुला दूध पी रहा है तो उसका दूध चेंज करें छोटे बच्चे जो होते हैं वो चलते फिरते नहीं है बेड पे लेटे रहते हैं जिसकी वजह से बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होती है कब्ज और गैस का मसला होता है आपने करना यह है कि छोटे बच्चे का ना आपने डेली जैसे ही आपको लगे ना कि दो दिन हो गए हैं बच्चे ने पोटी नहीं की आपने ना बच्चे का टमी मसाज करना है थोड़ा सा ऑयल ले लें कोई भी जैतून का ले लें या सरसों का ले लें ऑयल लेकर आपने बच्चे की बैली पर ना क्लोक वाइज हल्के हाथों से ना बिल्कुल आपने क्लोक वाइज बच्चे की ना मसाज करनी है टमी की हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हाथों से जैसे क्लोक की सुई घूमती ना ऐसे क्लोक वाइज आपने मसाज करनी है उसके बाद हल्का सा ऑयल आपने बच्चे की नाप में लगाना है जब अब माँ को पता चल जाता है कि बच्चे ने दो दिन हो गए पोटी नहीं की उसे कब्ज का मसला है तो आपने ये काम जरूर करना है और बच्चे की नाफ में तेल लगाना है नाफ में तेल लगाने का बहुत फायदा होगा इससे बच्चे को पोटी भी आएगी आधे घंटे घंटे में बच्चा पोटी कर लेगा अगर मसाज करने से भी मसला हल नहीं हो रहा तो ये चीज आपको बता रही हूँ ले लेनी है ग्लैसिन और थोड़ी सी आपने ले लेनी है कॉटन इसको ऐसे ना ये बोल ऐसे इस शेप में बना लेना है इसके बाद इसको आपने ग्लेस्टिन में डिप करना है और बच्चे की पोटी वाली जगह पर आपने इसको कॉटन को ना देना है परेशानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कोई मसला नहीं होगा आधे घंटे में बच्चा पोटी कर लेगा ग्लेस्टिन से ना वो जगह सॉफ्ट हो जाएगी जिसकी वजह से बच्चे को पोटी नहीं आ रही या बाहर नहीं निकल रही जब सॉफ्ट होगी तो बच्चा आसानी से पोटी कर लेगा और ये टेंशन की बात नहीं है ये रुई है ना जो कॉटन ये अंदर कहीं भी नहीं जाएगी ये बाहर आएगी पोटी के रास्ते ये बाहर रा आ जाएगी आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बच्चे को बिल्कुल भी रोने नहीं देना क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना जोर लगाते हैं पोटी करते हुए तो माए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बाजार से ना ग्लेसिन की बनी हुई स्टिक्स भी मिलती हैं अगर चाहें तो आप वो भी यूज करवा सकते हैं ग्लेसिन की स्टिक्स मेडिकल स्टोर से मिल जाती है आसानी से अगर माए परेशान होती हैं वो यूज नहीं करवाना चाहती तो इस टिप को आप यूज करें बच्चे की पोटी के रास्ते अक्सर खून आना शुरू हो जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना अगर बच्चा एक साल से बड़ा हो गया है तो कोशिश करें आप उसे जूस दें एप्पल खिलाए जिंक फाइबर की मकदार जिन चीजों में ज्यादा होती है ना वो ज्यादा चीजें बच्चों को यूज करवाए कैल्शियम वाइटामिन सी इन सारी चीजों की बच्चों को जरूरत होती है माए ध्यान नहीं देती बच्चों के खाने पीने की तरफ वजह से बड़े बच्चों में कब्ज का मसला शुरू हो जाता है अगर आपका बच्चा छह माह से बड़ा है तो आप कोशिश करें कि बच्चे के हाथ में ना रोटी का नवाला दें बच्चा रोटी खानी शुरू करे जो बच्चे रोटी नहीं खाते ना उनमें भी कब्ज का बहुत ज्यादा मसला होता है बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नवाले को चूसेगा गीला करके रोटी को खाएगा ना तो बच्चे में कब्ज नहीं होगी इसके अलावा एक और टोटका है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आपने लेनी है एक बड़ी इलायची और इतना सा आपने पीस लेना है दालचीनी का इन दोनों चीजों को आपने डेढ़ कप पानी में उबाल लेना है उबालने के बाद जब पानी एक कप रह जाएगा ना तब आपने आंच को बंद कर देना है और किसी कप में निकाल लेना है ये देखिए जो छोटे बच्चे हैं ना आधा चाय वाला चम्मच आपने हर एक घंटे के बाद बच्चे को पिलाना है ज्यादा मिकदार आपने नहीं लेनी बड़ी इलायची और दालचीनी है आधा चाय वाला चम्मच सिर्फ मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ एक घंटे के बाद और एक साल से जो बड़े बच्चे है ना उनको आप एक बड़ा चम्मच ये वाला जो बड़ा चम्मच है ना दिन में तीन मरतबा दिन में तीन मरतबा बड़ा चम्मच एक साल से ज्यादा बच्चों को उनको एक दिन में तीन मरतबा आपने इसको पिलाना है इस कहवे से आपके बच्चे की पेट की ना कब्ज ठीक होगी अगर गैस का मसला है वो भी ठीक होगा बच्चा आपका हमेशा तंदुरुस्त रहेगा कुछ माओ को समझ नहीं आती मैं डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो माँ बच्चों की वजह से ना बहुत ज्यादा एहतियात करती हैं छोटे बच्चे हैं तो एहतियात करनी भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि छोटे बच्चों को मेडिसिन से दूर रखे ठीक है तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो में हाजिरों की मुजीद वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और तुआउ याद